हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। अभी लगभग सुबह के 7 बज गए हैं और आज है 30 मार्च, यानी कि बृहस्पतिवार, और आज रामनवमी भी है। तो मुझे करनी है देवी मैया की कढ़ाई। वैसे हम दोनों औरतें करते हैं तो हमारे यहाँ अष्टमी को कढ़ाई होती है, पर नौ औरतें करते हैं तो नवमी को ही होती है। वैसे लगभग मैं दोनों औरतें ही करती हूँ हर साल। नौ औरतें मैंने बस 2 बार किए हैं, एक बार पहले किए थे, एक बार इस बार किए हैं, क्योंकि जोड़ा तो जरूर करना चाहिए ऐसे हमारे यहाँ बोलते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा चलो एक बार और कर लेते हैं, आगे कभी देवी मैया का हुक्म होगा तो देखेंगे। क्योंकि सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता भगवान के लिए, तो हम कुछ भी करने की सोचते हैं या करते हैं तो वो हुक्म पर भी बात होती है। अभी मैंने चूल्हे के लिए पाइप पुताई कर दी, उसके बाद फिर रसोई में पोछा लगाकर रसोई को छोड़ दिया है सूखने के लिए, और तब तक नहा धोकर अभी मेरा जो अंदर का काम है गैस पर, मुझे थोड़ा वो जो खाना बनाना है वो तैयार कर लेती हूँ। अभी गैस पर मैंने चने रख दिए उबलने के लिए, थोड़ा सा मैंने नमक डाला है और 1 चम्मच देसी घी। 3-4 सीटी लगवा लेंगे हम। और रितिका बना रही है चाय। अभी थोड़ा सा गर्म पानी रखूंगी मैं गैस पर, चाय बनाने के बाद रितिका रख देगी गुलगुले बनाने के लिए। हमारे यहाँ हम देवी मैया की कढ़ाई में बनाते हैं गुलगुले, पूरी और सब्जी। आप चाहें तो चने बना सकते हैं या फिर आलू टमाटर के भी बना लेते हैं, पर देवी मैया के भोग के लिए चने ही बनते हैं। तो अभी पानी रख दिया है, हल्का सा गर्म पानी कर लेंगे बस, ज़्यादा नहीं, जैसे कि हम पीते हैं ना गुनगुना पानी होता है वैसा ही। चीनी थोड़ी सी जल्दी घुल जाती है, अगर टाइम हो तो ठंडे पानी में भी घोल सकते हैं, ताज़ा पानी रहता है, पर मैं गर्म पानी में ही घोल लेती हूँ। और आज मैं गुलगुले चीनी के ही बनाने वाली हूँ, गुड़ के भी बना लेते हैं पर गुड़ के देखने में अच्छे नहीं लगते हैं, तो फिर मैंने इसलिए चीनी ही घोल ली है। तो जी अभी चने हमारे उबल गए थे, अभी पहले चने बना लेते हैं। तो उसके लिए मैंने मसाले घोल लिए हैं, हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक, और मैंने 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है खटास के लिए। टमाटर नहीं डालेंगे, आप चाहें तो टमाटर भी डाल सकते हैं। तो जी अभी 1 चम्मच सरसों का तेल गरम किया, उसमें फिर मैंने डाल दिया थोड़ा सा जीरा, एक तेज़पत्ता और 2-3 हरी मिर्च कट की थी वो डाल दी है। हल्की सी भुनने के बाद अभी हमने जो मसाले घोल कर रखे थे ये डाल देंगे। और तेल में, जैसे कि बिना प्याज टमाटर के हम कोई भी सब्जी बनाते हैं, तो मसाले पानी में घोल कर ही डालें, इससे हमारे मसाले जलते नहीं हैं बिल्कुल भी। ऐसे हम डायरेक्ट तेल में डाल देते हैं तो जल जाते हैं। तो अभी मसाले मेरे पक गए थे, उसके बाद फिर मैंने डाल दिए हैं चने। अभी चने डालकर मिक्स करके हम बिल्कुल धीमी धीमी आँच पर इनको 8-10 मिनट के लिए पका लेंगे। अभी चने हमारे पक गए हैं, अभी इसमें मैं डाल देती हूँ 2 चम्मच गरम मसाला और मिक्स करके ढक कर रख देंगे। और अभी चलते हैं हम हमारी कच्ची रसोई में। तो जी अभी हलवा मैंने बनाकर तैयार कर लिया है। खीर मैंने पहले ही बना दी थी, चने बनाने से पहले मैंने चूल्हा जलाकर चूल्हे पर खीर रखती थी, तो खीर भी हमारी बनकर तैयार हो गई है और अभी हलवा भी बन गया है। और अभी हलवा की मैं जमाने वाली हूँ बर्फी, क्योंकि बच्चे बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाना पसंद करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो बर्फी बना लेते हैं। तो जी अभी मैंने सिंपल थाली में बिल्कुल थोड़ा सा घी लगा लिया है, और अभी ये हलवा थाली में डालकर चारों तरफ अच्छी तरह से फैला देंगे, और ऊपर डाल देंगे थोड़ा थोड़ा हम इसमें गोला। आप चाहें तो थोड़े वो ड्राई फ्रूट वगैरह अगर घर पर हो तो वो भी डाल सकते हैं, पर मेरे पास अभी सिर्फ गोला है तो मैंने गोला ही डाल दिया है। अभी इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे और बाद में हम बर्फी कट कर देंगे। अभी खीर और हलवा हमारा बनकर तैयार हो गया है। अभी मैं बना लेती हूँ गुलगुले। गुलगुले बनाने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, पूरी बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, क्योंकि गुलगुले बनाते टाइम आँच भी इतनी ज़्यादा तेज़ नहीं रखते हैं, धीमी धीमी आँच पर बनाकर तैयार करते हैं। ज़्यादा तेज़ आँच पर एकदम से लाल हो जाते हैं और अंदर से कच्चे रह जाते हैं। अभी गुलगुले बनकर तैयार होंगे, तब तक हम माँ बेटी पूरी बनाकर भी तैयार कर लेंगे। फिर बस गुलगुले बनने के बाद झटपट पूरियाँ तेल में से निकाल लेंगे। पूरियाँ बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, थोड़ा बहुत टाइम लगता है तो गुलगुले बनाने में ही लगता है, तो इसलिए मैंने सोचा पहले गुलगुले ही बनाकर तैयार कर लेंगे, साथ साथ हमारी पूरी भी बनती रहेंगी, दोनों काम बन जाएंगे। तो जो भी खाना मैंने बनाकर तैयार कर लिया है, अभी हम कर लेते हैं इस हलवे की बर्फी कट। और मैंने छोटी छोटी ही बर्फी कट की है, ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं कट की है। ये देखिए बर्फी हमारी बिल्कुल जैसी खोवे की बर्फी होती है ना, वैसी ही बनकर तैयार हुई है।
अगर दूर से देखें तो ऐसे ही लगती है जैसे कि खोए की बर्फी रखी है। तो अभी कन्या आ गई थी, ईशांत ने ये काम तो मेरा कर दिया है आज, क्योंकि आज कन्या मिलनी थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है। और मैं तो सोच रही थी आज थोड़ी सी लेट हो गई हैं तो कन्या पता नहीं मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, पर कन्या टाइम से पहले ही आ गई हैं। तो अभी मैं पहले देवी मैया को भोग लगा देती हूँ, उसके बाद फिर हम कन्या पूजन करेंगे। और देवी मैया को भोग लगाने के लिए थाली में हम खीर पूरी गुलगुले और हलवा रखते हैं, चने नहीं रखते हैं, सब्जी नहीं रखते हैं हमारे यहाँ, चाहे हम बिना लहसुन प्याज की ही क्यों ना बनाएं, मिर्च का हम कुछ भी बनाते हैं तो वो हम थाली में नहीं रखते हैं। तो अभी देवी मैया का भोग मैंने लगा दिया है और अभी कन्याओं को भी जिमा दिया है, क्योंकि आज सबको जल्दी रहती है, टाइम नहीं है, बल्कि किसी और के घर जाना था, ईशांत हमारे घर लेकर आया है, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी इनको खाना खिला दिया है। अभी ईशांत इनको फिर से वापस छोड़ कर आएगा। और ये सुबह उठते ही, जैसे कि किसी के घर जल्दी तैयारी हो जाती है तो सुबह उठते ही खाना स्टार्ट कर देती हैं कन्याएं भी, तो कितने घर जाएंगी और कितना खाना खाएंगी, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा परोसा है मैंने, और उसमें से भी कन्याओं ने बिल्कुल थोड़ा थोड़ा खाया था। वही बात आ जाती है कि सुबह उठते ही खाना स्टार्ट कर देते हैं तो कितना खाएंगे। और आठम और नौमी 2 दिन होते हैं, 2 दिन में सबके घरों में कढ़ाई रहती है। तो जी अभी खाना वाना हो गया था, उसके बाद फिर अभी नाल बांध देते हैं और प्रसाद दे देते हैं। और जी आज ईशांत बिल्कुल छोटी छोटी कन्याएं लेकर आया है, इनमें से एक दो को तो तिलक लगवाना बिल्कुल पसंद नहीं है, एक दो ने नाल बनवा लिया, किसी ने तिलक नहीं लगवाया। ये जो बिल्कुल छोटी छोटी कन्याएं थी दो, इनका तिलक लगवाने पर ही इनका रोना स्टार्ट हो जाता, तो बस मैंने नाल बांध दिया था, तिलक नहीं लगाया था। और अभी दे देते हैं प्रसाद। प्रसाद हम जो नारियल पूजा में रखते हैं ना, वही बधार लिया था हमने, देवसर जाते हैं तो हम वहाँ लेकर जाते हैं, फिर हम गोड़ा मिश्री और प्रसाद दे देते हैं। अभी ये नारियल बधार लिया था तो ये नारियल मिश्री और प्रसाद में आप चाहें जो कुछ भी दे सकते हैं। ऐसा बोलते हैं ना कि दान श्रद्धा समान, तो जितनी श्रद्धा होती है उतना आप कर सकते हैं। और वैसे भी देवी मैया सिर्फ श्रद्धा देखती है, ये नहीं देखती है कि किसने कितना किया है। भक्ति भाव से अगर हम बिल्कुल कम भी कर पाते हैं उसमें भी देवी मैया प्रसन्न हो जाती है। तो जी अभी पूजन हमारा कंप्लीट हो गया है और अभी बच्चे खाएंगे खाना, मैं खाऊंगी 12 बजे के बाद। हमारे यहाँ नवरात्रे करते हैं तो 12 बजे के बाद फिर व्रत खोलते हैं। और ये देखिए बर्फी हमारी कुछ ऐसी बनकर तैयार हुई थी, देखिए कितनी अच्छी लग रही है, जैसी खोवा की बर्फी होती है ना बिल्कुल वैसी ही लग रही है। तो जब अभी कन्याओं को विदा करते ही मौसम चेंज हो गया था, थोड़ी थोड़ी बारिश आनी स्टार्ट हो गई है, तो ये सरसों सुबह फैला कर छोड़ दी थी, क्योंकि सुबह काफ़ी तेज की धूप निकली हुई थी, इसीलिए हमने सोचा चलो थोड़ी सी धूप दिखा देते हैं। पर अभी एकदम फिर से मौसम चेंज हो गया, तो मैंने तो सारा सामान वगैरह उठा कर रखा और ये खाना खाने के बाद लग गए हैं अभी सरसों को ढकने में। और अभी तो मौसम ने बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है, ये बिना मौसम की जो बारिश हो रही है ना, इसने किसानों को बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया है। किसी की फसल निकली नहीं है, किसी की कटी नहीं है, और किसी की निकल गई है तो वो हमारी तरह ऐसे परेशान हो रहे हैं। हमने थोड़ी सी जल्दी निकलवा ली थी क्योंकि बारिश तो बता ही रखी थी, हमने सोचा चलो निकलवा लेते हैं, तो अभी इसमें थोड़ी सी नमी थी तो इसको सुखाने में हमें इतना ज़्यादा परेशान होना पड़ रहा है। और ये थोड़ी सी हमने बाहर फैला कर छोड़ी थी यहाँ पर, इसको भी अभी अंदर डाल देते हैं फिर से, अभी बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया हमारा। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 5 और हमारे यहाँ हुई है बारिश। डक दी क्या है? देखवा छोरी लाग रही है, मैं तेरे से मारूंगी, दो की टिठवाले बाज के जा जा टाले बाज के और के। और ये सर सो आज बाहर निकाल दी थी और आज बारिश बंद होने का नाम नहीं ले रही, तो ज्यादा बारिश तो नहीं हुई पर थोड़ी 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 बारिश पूरा दिन हो गया। बस बेटा बिजो क्यों हो? डा भी हो गया को सुता है ना रितिका, उर्ली कान गिर, उर्ली कान गिर दे ईशांत, उर्ली कान गिर दे बस। तो अरे बस आ जा, भूल ना बिज जा, तेरे तावड़ी जो खाम भी हो जाए है ना जा। राम ने भी परेशान कर रखे हैं कई ये दिनों के भाई, रीति चटा लग सको सुता है ना। और आज पूरा दिन हो गया कन्या जमाने के बाद, फिर बर्तन वगैरह साफ किए,
उसके बाद फिर आराम किया, यही रूटीन चल रही है आजकल। और अभी लगा लेते हैं साड़ी पर फाल, एक साइड की लगा देते हैं, दूसरी साइड की फिर प्रेस करके लगाएंगे। और फाल मैं हमेशा साड़ी पर धोकर फिर सुखाकर प्रेस करके लगाती हूँ, धोकर ही लगानी चाहिए, ज़्यादा अच्छी रहती है, नहीं तो हम ऐसे बिना धोए लगा देते हैं ना तो बाद में धोने को सुकड़ जाती है। तो पहले उसको 2-3 घंटे के लिए पानी में ये कर दिया, आगे की लाइट सही से दिमाग दबो कर छोड़ दें, उसके बाद फिर उसको निचोड़ कर सुखा दें, फिर प्रेस करके फिर लगाएं। फाल लगाने का यही तरीका है। और आज लाइट नहीं आई हुई है, इसी वजह से शायद वीडियो थोड़ी सी काली दिखाई देगी। शांतिया, और आज पता नहीं क्या बात है, मौसम चेंज हो गया इस वजह से कि सिर में दर्द हो रहा है। थालिया लगा यार, खाए बिना मान ना कौन ने, हां हां मान जाएगा के लट कौन खाया ने। तो जी अभी बज गए हैं शाम के 7 और खाना वाना हमारा हो गया था, इतनी ज़्यादा किसी को भूख नहीं थी, बस थोड़ी सी रोटियां बनाई थी और मैंने तो खाई ही नहीं क्योंकि 12 बजे के बाद खाना खाया था तो बिल्कुल भी मन नहीं था मेरा खाना खाने का। और बच्चे तो घूमते फिरते गुलगुले वगैरह खाते रहते हैं तो इन दोनों बहन भाई का भी मन नहीं था आज इतना ज़्यादा खाना खाने का, तो बस थोड़ी सी रोटियाँ बनाई थी। रोटियाँ बनाने के बाद फिर मैं लग गई हूँ मेरे काम पर, रसोई में सामान जो फैला हुआ है ये उठा कर रख देती हूँ और जो सुबह बर्तन निकाले थे उन्हें अभी उठाकर फिर से संदूक में रख देती हूँ। वैसे मैंने इतने ज़्यादा बर्तन नहीं निकाले थे, थोड़े से ही निकाले थे, पर नए बर्तन मैं कभी निकालती हूँ तो साथ साथ उठाकर रख देती हूँ, बाहर रह जाते हैं तो शाइनिंग ख़त्म हो जाती है बर्तनों की। और वैसे भी किचन में ज़्यादा बर्तन रहते हैं तो हमारा ही काम बढ़ता है, ज़्यादा बर्तन गंदे होते हैं। तो जी मुझे तो इस काम को करने में काफ़ी टाइम लगने वाला है, आज रसोई भी काफ़ी फैली हुई है, सारा सामान जचाना है। तो चलिए आज के व्लॉग को तो यहीं पर ख़त्म करते हैं और फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए राम राम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।